हेलो फ्रेंड्स, मैं कल एक मेडिकल स्टूडेंट से बात कर रहा था और वो मेडिकल स्टूडेंट जहाँ भी जाता है, वो छुट्टियों में घर आया हुआ था, तो वो जहाँ भी जाता है सब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि अरे मेडिकल स्टूडेंट है, इसने ये है, आगे बहुत अच्छा काम करेगा, बड़ा काम करेगा, सक्सेसफुल है, ये तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वगैरह वगैरह, और हर जगह उसकी काफ़ी तारीफ होती है, ये होती है। तो जब वो मेरे साथ बैठा तो मैंने उससे बात की कि भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बोले सर, मैं आपको क्या बताऊं, ये एक्सटर्नल तारीफें तो मुझे मिलती है, लेकिन वहाँ पर मेडिकल, यहाँ पर तो सब कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर मेरे पे क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूँ। अब मेरे घर में सब लोग डॉक्टर हैं, सब लोग ये हैं, और इसीलिए मुझे भी इस फील्ड में भेज दिया गया। मेरा इंटरेस्ट तो एक्चुअली ज्योग्राफी में था, दुनिया की अलग अलग जगहें कौन सी हैं, कहाँ पे किस प्रकार का जो है वो लोग रहते हैं, कहाँ पे किस प्रकार का क्रॉप होता है, कहाँ पे किस प्रकार के जानवर होते हैं, ये सब एरियाज में मुझे इंटरेस्ट था। नेचुरल साइंसेज और जो ज्योग्राफी है उसमें मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन अब क्या करूँ, घर से प्रेशर था, हर तरफ से ये था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और स्कूल में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, तो सबने कहा कि भाई तुमको तो डॉक्टर बनना चाहिए। अब मेरा वहां पे मन नहीं लगता सर, मेरा एक एक दिन कैसे वहां पे गुजरता है, ये सब मेरे को बहुत टफ लगता है। एक एक घंटा पढ़ाई मेरे पे भारी पड़ती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, पर अब क्या है, अपने आप को मोटिवेट करता हूं, मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं, मोटिवेशनल ये सब सुनता हूं, देखता हूं और अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे एक बात समझ में आई, मुझे एक बात समझ में आई, और एक मेरा और वीडियो है इसमें इकिगाई के ऊपर में, कि किस प्रकार का करियर चुनना चाहिए हमको। घर में सब डॉक्टर हैं, इसलिए किसी को डॉक्टर बनाना क्यों, क्योंकि डॉक्टर कमाते हैं, डॉक्टर सक्सेसफुल माने जाते हैं, डॉक्टर्स का एक प्रेस्टीज होता है, इसलिए किसी को डॉक्टर बनाना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा जो है जुर्म है उस व्यक्ति के साथ में, उस व्यक्ति के साथ कितना बड़ा अन्याय है, या फिर नीड है कि भाई इस चीज का स्कोप है, इसी इसमें अपना करियर बनाओ, इसको देखते हुए कोई प्रोफेशन चुनना इतना बड़ा अन्याय है उस व्यक्ति के साथ, क्यों किसी को जबरदस्ती किसी करियर में डालना। माँ बाप की इच्छाएं हैं या माँ बाप की अधूरी इच्छाएं हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरी अधूरी इच्छाओं को मेरा बेटा पूरा करेगा या बेटी पूरा करेगी, इसलिए उसको उस फील्ड में डाल दिया जाता है। एंड एवरी डे इज अ ड्रैग फॉर हिम, हर दिन उसके लिए जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन बाहरी दुनिया वाह वाह कर रही है कि मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है। दोस्तों, ये इकिगाई का चित्र यहाँ पर मैं शेयर इस वीडियो के साथ में कर रहा हूँ। इकिगाई यानी इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। नंबर वन कि यू मस्ट लव दैट जॉब, उस प्रोफेशन से मोहब्बत होनी चाहिए, जैसा कि हमने थ्री इडियट्स फिल्म में देखा था। उसके फादर उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, जबकि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में उस बंदे को इंटरेस्ट था, वो जो फिल्म का एक कैरेक्टर है, फरहान कुरैशी जो जिसका नाम था, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और किस प्रकार से वो होता है। तो बिल्कुल थ्री इडियट्स की कहानी उस व्यक्ति के साथ में हो रही थी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहिए और इससे रिलेटेड आपको आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं कि आपके बच्चे या आपके जूनियर जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके अगर इकिगाई के हिसाब से करियर सिलेक्ट करते हैं तो नंबर वन, यू मस्ट बी इन लव विद दैट जॉब, उस कार्य से मोहब्बत होनी चाहिए। नंबर टू, वो दुनिया की एक नीड फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। वो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, नंबर वन, उस कार्य से आपको प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है उस कार्य से, वो कार्य करने में आपको मजा नहीं आता, बट जस्ट बिकॉज कोई और कह रहा है इसलिए आपको कर रहे हैं, उसमें क्या होगा मैं आगे चल के बात करूंगा। नंबर टू, कोई नीड, दुनिया की एक बड़ी नीड फुलफिल उस होनी चाहिए, एक जरूरत फुलफिल होनी चाहिए, उस कार्य की वजह से एक बेहतर दुनिया कैसे बन सकती है, ये इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। और इसके लिए थोड़ा अगर चिंतन मनन करते हैं, बच्चे का या अपने आप का थोड़ा सा साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो हमको अच्छी लगती है, जिससे एक नीड भी फुलफिल होती है, और तीसरा नंबर, उससे जो है अच्छी खासी आमदनी भी होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ है और लेकिन आपके उस कार्य के लिए लोग अगर आपको पे करने के लिए तैयार नहीं है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। सो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज की पीपल शुड पे यू मनी फॉर दैट, मतलब मॉनिटरीली वो वायबल होना चाहिए।
और नंबर फोर, उसके लिए आपके अंदर में अंदर से स्किल होनी चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लीजिए, अपग्रेडेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए कि उस कार्य में और बेहतर और बेहतर और बेहतर जो है वो आप हो सके। और जो अपने इकीगाई में रहता है उसके लिए दुनिया कैसी रहती है, और जो जबरदस्ती किसी करियर में जाता है सिर्फ इसलिए कि उसमें पैसा है या सिर्फ इसलिए कि किसी और की इच्छा है, माँ बाप की इच्छा है, सोसाइटी की इच्छा है, पड़ोसियों की इच्छा है कि वो प्रोफेशन चुने, वो सिर्फ इसलिए जाता है कि दूसरों के कारण जाना पड़ा या इसलिए सिर्फ कि उसमें पैसा है, तब लाइफ कैसी होती है, ये दोनों का कंपैरिजन। तो यहाँ पर मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक अपहिल टास्क करियर होता है और एक इकीगाई करियर होता है, ठीक है? आप इस चार्ट में देख रहे हैं, अपहिल टास्क यानी इस लड़के के लिए जीवन भर ये मेडिकल प्रोफेशन जो उसने चुना है तो ये किस प्रकार का अनफॉर्चुनेटली उसके लिए रहने वाला है, बिकॉज ही हैज चोजन और उसके ऊपर में लाद दिया गया है एक अपहिल टास्क करियर। जिंदगी भर उसको जो है पहाड़ के ऊपर में अपहिल चढ़ने जैसा ये एहसास जो है वो होता रहेगा। जिंदगी और करियर जो है एक ड्रैग की तरह लगता है, मतलब एज इफ यू आर ड्रैगिंग इट, खींच के चल रहे हो, कोई चार्म उसमें नहीं होता, कोई मजा उसमें नहीं होता। और जब आप इस तरह के करियर में होते हो तब उसमें कोई डेवलपमेंट का स्कोप हमको नहीं दिखता है, कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमको नहीं दिखता है अपग्रेडेशन करने में, क्योंकि मूल कार्य ही अगर बोरिंग लग रहा है, मूल कार्य में ही अगर दिल नहीं लग रहा है तो अपग्रेडेशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो एक मीडियोकर करियर रहेगा, उसमें वो ग्रोथ एक वर्ल्ड क्लास लेवल तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि मूलतः ही वो व्यक्ति उस कार्य को पसंद नहीं करता है। ऐसी अवस्था में ये जो अपहिल टास्क करियर अगर कोई चुन लेता है तो हमेशा उसको लगता है कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो काम के बीच में से ब्रेक्स ढूंढता रहता है, वो वेकेशंस का वेट करता रहता है, वीकेंड्स का इंतजार करते रहता है कि यार कुछ समय तो कम से कम इससे मैं दूर भाग सकूं। उसके जो जिस चीज में उसको पहले से इंटरेस्ट था, जिस चीज में वो बहुत अच्छा हो सकता था, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट जो है वो ज्योग्राफी में अपना करियर जो बना सकता था, ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड क्लास हो सकता था, वो भी धीरे 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 उसका टैलेंट जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेडिकल में आ गया हूं तो मेडिकल में ही मुझे जो है वो करना है, और कहीं ना कहीं ये फॉल्स जिंदगी वो जीता है और उसको लगता है कि यार जिंदगी ऐसी ही होती है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत, इंटरनल मोटिवेशन तो है नहीं, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ देर तक एक मोटिवेशनल वीडियो देख करके अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सब कुछ जो है वो फुस हो जाता है। कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन, याद रखिए, हमेशा टेम्पररी रहता है, इंटरनल मोटिवेशन जो है वो हमेशा परमानेंट रहता है। और लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बस जिंदगी कट रही है। पैसा आ भी जाए तो भी जिंदगी काटता है, वो जिंदगी का मजा नहीं ले पाता। तो ये होता है अपहिल टास्क करियर। एक होता है इकीगाई करियर, जहां पे आपको लगता है कि आप डाउनहिल का भी जो मजा लेते हैं, आप स्कीइंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिसल रहे हैं, तो आप देखिए जब आप फिसल पट्टी से फिसलते हैं तो कितना मजा आता है, क्योंकि अपने आप ही वो हो जाते हैं और आप उसका मजा लेते हैं। यू इट फील्स लाइक निर्वाण कि आपने ऐसा करियर चुना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी को क्लास 5 से ही बेकिंग में इंटरेस्ट है और उसको बेकिंग और कमर्शियल बेकिंग में उसका इंटरेस्ट था। अब जब वो कॉलेज जाती है शी इज इन ब्लिस, उसको मजा आता है, उसको समझ में नहीं आता कि इतना समय कैसे निकल गया, राइट? देर इज अ प्लेजर, देर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ जब आप अपने इकीगाई से रिलेटेड करियर चुनते हैं। आप हमेशा एंथुजियास्टिक होते हो, एक्स्ट्रा काम करने के लिए एंथुजियास्टिक होते हो, आपको इतना मजा आता है कि आप हमेशा एंथुजियास्टिक होते हो इस कार्य को करने के लिए। और जब आप इस तरह के इसमें होते हो तो जैसे आपने देखा तो स्नोबॉल, आप इसमें इतना इंप्रूव करते हो, इतना इंप्रूवमेंट की इच्छा रहती है, इतना नई नई चीजें आप सीखते हो, नई किताबें पढ़ते हो, एक्सपर्ट से पूछते हो, नई ट्रेनिंग्स लेते हो, अपग्रेड डेवलपमेंट अपने आप को आप इतना करते हो कि वो करियर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो और बड़ा होते जाता है। वाई? बिकॉज यू आर इन योर इकीगाई करियर। जबकि वो जो अपहिल टास्क करियर अगर आपने चुना है तो वहां पे आप कभी भी इंप्रूव नहीं होते हो, यहां पे स्नोबॉल इफेक्ट, आपका करियर और बड़ा होते जाता है और आपका नाम होते जाता है और आपका एक्सपर्टीज जो बढ़ते जाता है। यहां पर आप मंडेज के लिए वेट करते हो, सैटरडे संडे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, मंडे कब मैं फिर पहुंचूं वहां पर और वो काम करूं जो मुझे करने को अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन है या विराट है, वो मंडे का वेट करेंगे यार कब जाऊं और फिर बैटिंग करूं, बिकॉज उनको अपना इकीगाई जो है वो मिल गया है।
और वो अपग्रेड जो है वो अपहिल टास्क जो है वो नहीं कर रहे हैं। इमेजिन अगर सचिन तेंदुलकर को वकील बना दिया जाता जस्ट बिकॉज एडवोकेट के धंधे में पैसा है तो किस प्रकार का वकील बनता। लता मंगेशकर को अगर आप अकाउंटेंट बना देते तो किस प्रकार के अकाउंटेंट वो बनती। क्यों? क्योंकि अगर उसके पिताजी चाहते हैं कि वो अकाउंटेंट बने, उसके लिए जिंदगी भर, सचिन तेंदुलकर के लिए जिंदगी भर वो वकील का काम अपहिल टास्क जैसा रहता है। लता जी के लिए जिंदगी भर वो अकाउंटेंट का काम जो है वो जो है अपहिल टास्क की तरह रहता, मजा नहीं आता, लाइफ का चार्म उनका खत्म हो जाता और डबल नुकसान होता है। सचिन को अगर आप वकील बना दो तो डबल नुकसान होगा, भारत को एक बेहतरीन क्रिकेटर नहीं मिलेगा और दूसरा शायद एक बहुत खराब वकील मिलेगा, राइट? सो दीज पीपल ईगरली वेट फॉर मंडेज। अगर आपने वो प्रोफेशन चुना, ठीक है। नंबर थ्री, इट फील्स लाइक निर्वाण, कि क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी का मजा है, टाइम फ्लाइज। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि वेन यू आर इन योर इकिगाई करियर, सबसे बड़ी खासियत यह है कि कितने घंटे बीत गए आपको पता ही नहीं चलता। एक पॉइंट पर आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि पैसा आपके पीछे दौड़ता है, लाइक टाइम फ्लाइज। आपको रियलाइज नहीं होता, अच्छा अरे 4 घंटे हो गए, मैं तो इतना डूब गया था उस काम में कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे 4 घंटे बीत गए। जबकि द अपोजिट साइड में अपहिल टास्क करियर में एक एक घंटा बिताना जो है वो मुश्किल होता है। व्यक्ति वेट करता है यार कब दिन खत्म हो और घर जाओ, कब फ्राइडे आए और मैं वीकेंड मनाऊं, कब किसी छुट्टी लेकर के जाऊं। यहां पर ही इज ऑन अ परमानेंट वेकेशन बिकॉज मजा जो है रोज आता है, काम ही ऐसा चुना है जिसमें बहुत मजा आता है, ठीक है। यहां पर एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, यहां पे बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन ही रहता है उस करियर में। और याद रखिए इंटरनल मोटिवेशन जो है वो परमानेंट होता है। ये व्यक्ति दूसरों को मोटिवेट करता है, इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, खोखले मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इंटरनल मोटिवेशन जो है उसका है, ठीक है। इस व्यक्ति को लगता है लाइफ एंड टाइम कितनी वेल स्पेंट है, कितना मजा आ रहा है, कितने लोगों का भला हो रहा है, बिकॉज इकिगाई के वो चारों कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होते हैं और फुलफिल होते हैं और एक एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है उसको। अगर मैं वापस इकिगाई के चित्र में जाऊं तो मेरा इकिगाई किस प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन ट्रेनिंग एंड क्लैरिटी बिजनेस, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ मोटिवेटर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, और साथ ही साथ जो है यूथ एम्पावरमेंट का काम मैंने अपने लिए चुना है, विच आई लव डूइंग, और इसीलिए मेरे 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, क्योंकि मैं चाहे जितनी देर तक समय का एहसास नहीं होता और मैं चाहे जितनी देर तक बोल सकता हूँ, लोगों को जो है इंस्पायर कर सकता हूँ, लोगों को क्लैरिटी दे सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। डज द वर्ल्ड नीड इट? यस, मेरा सक्सेस ये बताता है कि द वर्ल्ड नीड्स इट, दुनिया की एक जरूरत है, एक बेहतर दुनिया बनती है ये सब जब मैं कार्य करता हूँ। डू आई गेट पेड फॉर इट? ओ यस, मैंने जो है अभी तक कम से कम 3 करोड़ 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में मैं क्रोर क्लब का मैं मेंबर हूँ, बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे मी फॉर इट, फॉर माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फॉर माई वर्कशॉप्स एंड फॉर अदर थिंग्स। सो पीपल आई गेट पेड इन फुल मेजर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड डू आई हैव द स्किल फॉर इट? यस, आई कैन स्पीक। इसमें मैंने बहुत अपग्रेड किया, बहुत ट्रेनिंग्स ली, बहुत ये, और मुझे कभी उसमें जो है परेशानी नहीं हुई, बिकॉज जो चीज मुझे आती है, जो जहां पे इकिगाई होता है वहां पे और ट्रेनिंग और एक्सपर्ट से सीखना, और आज भी मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो है अपने आप को अपग्रेड करने के अलग अलग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ, सो दैट माई स्किल्स इंप्रूव, और मेरा लाइफ का मजा बढ़ते जाता है, मेरी हेल्थ और इंप्रूव होती जाती है, मेरी वाइटैलिटी और इंप्रूव होती रहती है। सो दिस इज हाउ दिस इकिगाई प्लेज इन माय लाइफ। अब आप पूछेंगे कि सर मैंने तो अपना करियर चुन लिया है, मैंने तो ऑलरेडी अब ये दुकान खोल ली है, ये इस बिजनेस में मैं चला गया हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने ऑलरेडी चुन लिया है, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम एक गलतफहमी में कोई करियर चुन लेते हैं या किसी के प्रेशर में आकर के कोई करियर चुन लेते हैं, ठीक है, बाद में जब हमको रियलाइज होता है कि यार इसमें तो मेरा इकिगाई में फिट नहीं हो रहा है, तो समय रहते अगर आप चेंज कर लेते हैं या उसी काम में आप वो एक चीज ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस का हर काम आप नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस में वो काम कीजिए जो करना, उस बिजनेस का वो काम जो आपको करना पसंद है, जिसकी कंपनी को नीड है,
जिससे एक्चुअल कंपनी का इवैल्यूएशन नेटवर्थ बढ़ेगी, कंपनी को ज़्यादा जो है आमदनी होगी, और जिसमें आपकी स्किल है, अगर आपकी अकाउंटिंग में स्किल है तो अपनी कंपनी के अंदर में अकाउंटिंग का काम अपने हाथ में लीजिए और बाकी की चीज़ें डेलीगेट कर दीजिए। अगर आपको मार्केटिंग पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, तो मार्केटिंग का काम आप अपने हाथ में लीजिए और बाकी की चीज़ें लोगों को करने दीजिए। अगर आपने कोई प्रोफेशन चुन ही लिया है, उस प्रोफेशन में कोई एक ना एक हिस्सा ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी इकिगाई में फिट होता है, और आप उस कार्य को कीजिए, या फिर जैसे मैंने किया, अपने प्रोफेशन को कंप्लीटली डेलीगेट करके आप कोई ऑल्टरनेट करियर जो है वो चुन सकते हैं। ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है। अपने बिजनेस को कंप्लीटली ऑटोमेट कर दीजिए और आप एक पैरेलल करियर जिसमें आपको निर्वाण की एहसास होता है, जिसमें आपको मजा आता है, जिससे आपकी जिंदगी जो है सुखद होती है, उस करियर को आप चुनें। तो मेरा कहना है दोस्तों, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है उस मेडिकल विद्यार्थी के लिए जिसकी ज़िंदगी इस प्रकार से जो है वो होने वाली है। सभी माँ बाप से, सभी सीनियर से ये आग्रह है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को देखें कि ये चारों फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपनी ज़िंदगी में वो काम चुनें जो आपके लिए एक इकीगाई टास्क होता है, जो जिसमें बिल्कुल मजा आता है, जिसमें अपने आप सब कुछ करते हो, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और स्नोबॉल इफेक्ट से आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाते हो। और दूसरा, अपने बच्चों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए देखिए, उनका साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन कीजिए और देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है, उनका किस चीज़ में उनको मजा आता है। सिर्फ इसलिए कि सीनियर्स की इच्छा है, माँ बाप की इच्छा है, इसलिए कोई करियर किसी के ऊपर थोपा ना जाए, तो ये दुनिया जो है कितनी बेहतर हो सकती है, कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमको मिल सकते हैं। पर अगर करियर या काम थोपा जाता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी जो है, उस जिंदगी का चार्म जो है वो चला जाता है। तो आप सबसे ये गुजारिश है दोस्तों, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए विश फॉर, और ये अपने अंदर में ये भाव लाइए कि वो कार्य किया जाए जिसके लिए नेचुरल एंथुसियाज्म हमारे अंदर में हो। कोई कार्य या कोई वोकेशन या कोई करियर किसी के ऊपर में थोपा ना जाए अगर हमको एक खुशहाल जिंदगी जीना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ये भी मुझे बताइएगा, ताकि आने वाले समय में उन टॉपिक्स पर और भी वीडियोस जो है वो बनाए जा सके। इसके साथ ही अजय शाही साहब आपसे विदा लेता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा और इवेल्युएट कीजिएगा अपने खुद की लाइफ को और अपने जूनियर्स की लाइफ को, ताकि आप सही सलाह लोगों को दे सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।